जुड़वा भाई बहन तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन उड़ीसा में है जुड़वा शहर जो कि है कटक और भुवनेश्वर। इन दो शहर के बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में स्थित जुड़वा पर्वत, खंडगिरी और उदयगिरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दोनों पर्वत खंडगिरी और उदयगिरी एकदम अगल बगल ही खड़े हैं और यहाँ पे एक ही साथ में जैन मॉन्क्स के लिए गुफाएं बनाई गई थी, इसलिए इन दोनों पहाड़ों को जुड़वा पर्वत भी बोला जाता है। ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 9.8 किलोमीटर, भुवनेश्वर एयरपोर्ट से 7.5 किलोमीटर और बरमुंडा बस स्टॉप से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये खुला रहता है। सीज़न के हिसाब से ये टाइमिंग चेंज हो सकती है। बच्चों के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। इंडियंस और सार्क कंट्रीज़ के लोगों के लिए एंट्री फीस 25 रुपये और बाकी सभी देशों के लोगों के लिए फीस है 300 रुपये। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं कहाँ पे बैठी हूँ? मैं बैठी हूँ छोटे हाथी गुम्फा के नीचे। छोटा हाथी गुम्फा, गुम्फा मतलब ओडिया में गुफा को बोला जाता है, यानी कि केव। वैसे आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि मैं खंडगिरी और उदयगिरी हिल्स के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं अभी उदयगिरी हिल्स में अभी हूँ और वहाँ पे मैं बैठी हूँ अभी छोटा हाथी गुम्फा। ये एक रॉक कट केव है, तो पत्थर से पूरा पत्थर का पहाड़ को पूरा ये इसको कट करके ये गुफाएं सब बनाया गया है। ओरिजिनली जब ये बनाया गया था 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व को उड़ीसा के बहुत पावरफुल राजा खारवेल, जो कि थे महामेघ बाहनर डायनेस्टी के एक पावरफुल किंग, तो उन्होंने उस टाइम के जो जैन भिक्षुक थे उन लोगों के रहने के लिए ये पूरा पहाड़ खोद कर उसमें ये गुफाएं बनाई थी। यहाँ पे उन सभी गुफाओं का बहुत अलग अलग नाम है, जैसे कि हो गया रानी गुम्फा, फिर हाथी गुम्फा, एक है व्याघ्र गुम्फा। सब मैं आगे आपको दिखाने लेके जाऊंगी। और अभी मैं जहाँ पे बैठी हूँ नीचे, ये है छोटा हाथी गुम्फा और एक हाथी गुम्फा भी है। तो वहाँ पे शिला लेख भी बहुत सारे हैं जो कि कलिंग वॉर के बारे में बताता है और उस टाइम के रहन सहन के बारे में बताता है। और एक चीज आप यहाँ पे मार्क करेंगे कि यहाँ पे ज्यादा कारुकार्य नहीं किया गया है, मतलब ज्यादा कला नहीं दिखाया गया है। और ये जो केव्स, ये जो गुफाएं जो भी हैं, वो सब छोटा छोटा है, मतलब वहां पे एक आदमी जाके आयकर बैठ सकता है या तो फिर लेट सकता है। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि वो जैन जो भिक्षुक थे उन लोगों के रेस्ट करने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए ये गुफाएं बनाई गई थी। जब ओरिजिनली बनाया गया था ये दोनों पहाड़ों में टोटल 108 गुफाएं बनाई गई थी, उनमें से अभी बस बचा है 33। और उनमें से भी उदयगिरी हिल्स में जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे अभी है 18 गुफाएं, और खंडगिरी वो जो रोड के दूसरी साइड में है वहाँ पे बचा है 15 गुफाएं। और ये उदयगिरी हिल्स है जो ASI के अंडर आ रहा है। ASI इसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ASI जो की है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये जो दीवार बनाया, ये जो खंभा बनाया गया है सीमेंट का, तो इसको ये पत्थर ना गिरे इसके लिए इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ये ASI के कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन उसके रोड के ऊपर उधर साइड जो दूसरा पहाड़ है जो कि है खंडगिरी, वहाँ पे वो लेकिन ASI के अंडर नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो वो जितने गुफाएं हैं कुछ तो गिर गए हैं या फिर अभी उसका इतना अच्छा अवस्था नहीं है। और वहाँ पे एक मेन अट्रैक्शन अभी वो है कि यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ पे जितने सारे जैन तीर्थंकर थे, मतलब जो जैन गुरुज थे, उनका बताया जाता है कि उनका वहाँ पे कार्विंग्स हैं। और उसके अलावा दुर्गा माता का मंदिर भी वहाँ पे है। तो पहले हम चलते हैं उदयगिरी देखने के लिए। अभी मैं खड़ी हूँ उदयगिरी का मेन अट्रैक्शन जो कि रानी गुम्फा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो स्टोरी बिल्डिंग दिख रहा है। यहाँ पे हम नीचे स्टोर के सामने खड़े हैं जहाँ पे कि ये है मेन विंग और इसके साइड में दो एक लेफ्ट विंग, एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है। जो मेन विंग है वो बड़ा है और यहाँ पे 3 रूम है और हर रूम में 3 एंट्रांस है। और उसके साइड में जो वहाँ पे है, इसके साइड में वो जो लेफ्ट विंग है, इधर राइट विंग है, वहाँ पे भी एक एक रूम है और 3 एंट्रांस है और उनके सामने एक बारंडा है। और एक और चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे आप
दीवारों में देखने के लिए पाएंगे। कलिंगो वॉर के बारे में दिखाया गया है यहाँ पे, और एनिमल्स के फोटोज हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए हाथी का है, और फिर रूम के जितने सारे एंट्रांसेस हैं सब में एनिमल्स के वैसे फोटोज बनाए गए हैं। और फिर बोलते हैं जो एंट्री गेट उसको तोरणा बोलते हैं, यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे वहाँ पे ऐसे फूल हैं और फिर स्नेक्स और एनिमल्स के फोटोज वहाँ पे बनाए गए हैं। अभी ये बहुत पुराना हो गया इसकी वजह से आधे टूट गए हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का बनाया हुआ पत्थर को काट के बनाया गया ये गुफा अभी भी इतना अच्छा है। मतलब तो मानना पड़ेगा कि उस टाइम पे फिर ऐसे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, तो वो नॉर्मल यूज़ किए जाने वाले हाथ हथियार के थ्रू ये सब बनाए हैं। तो ये पूरा अच्छे से दिख रहा था 2-3 साल पहले, अभी ये ऐसे टूट गया है। तो यहाँ पे आके आप मेनली अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह आना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप उड़ीसा आ रहे हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए। तो एक बार हम ऊपर भी जाके आपको दिखा देते हैं कैसे हैं। रानी गुफा के इस ऊपर माले में भी आपको कलिंगा वॉर के कुछ सीनेरीज देखने को मिल जाएंगी। पशु पक्षी इंसान और छोटे छोटे बच्चे सभी का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चित्रण किया गया है। और यहाँ पे आप सभी गुफाओं के अंदर देखेंगे कि चट्टान सीधा नहीं है, टिल्टेड है, यानी कि एक साइड को ढला हुआ है। ये भिक्षुकों के रेस्ट करने के लिए आसान हो इसलिए बनाया गया है। इसके अलावा सभी गुफाओं के ऐसे केनाल्स के जरिए पानी प्रोवाइड किया जाता था, और मशाल जलाने के लिए होल्स भी बनाए गए थे। एक गुफा से दूसरे गुफा को मैसेज पहुंचाने के लिए इको साइंस का इस्तेमाल भी किया जाता था। ये देखिए केनाल्स के थ्रू सभी गुफाएँ कैसे कनेक्टेड है। रानी गुफा देखने के बाद हम आ गए हैं यहाँ का सेकंड मेन अट्रैक्शन पॉइंट, हाथी गुफा। यहाँ पर ऊपर देखिए कुछ शिलालेख हैं। इसके अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे गुफाएं हैं यहाँ पे देखिए। ये है सर्प गुफा यानी कि स्नेक केव, और ये है व्याघ्र गुफा यानी कि टाइगर केव। क्योंकि इसके एंट्रेंस में बाघ का मुंह बनाया गया है इसलिए इस गुफा का नाम पड़ा व्याघ्र गुफा। अभी चलिए चढ़ते हैं ऊपर। ये देखिए उदयगिरी पहाड़ के ऊपर से भुवनेश्वर शहर का नजारा कितना अच्छा है ना। और वो है रोड के दूसरे साइड खंडगिरी पर्वत, और उसके ऊपर है माता दुर्गा की मंदिर। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके का कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे।